Good morning and assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at your home. Welcome to class 1. Dear students, today we learn unit 1, which is whole numbers. Whole numbers are those numbers which are start from 0 up to so on. होल नंबर्स वो होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होकर अप टू सो ऑन होते हैं, जो जो कि इन्फिनिट होते हैं, ख़त्म ना ख़त्म होने वाले नंबर्स को होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास पेज नंबर 1 पे हमें नंबर्स कुछ दिए हुए हैं। ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं, एक नंबर भी नहीं। 1 का मतलब है एक, 2 का मतलब है दो, 3 का मतलब है तीन, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन जितने नंबर आते हैं उनको होल नंबर्स बोलते हैं। सो बॉयज, डियर स्टूडेंट्स, द ऑन नेक्स्ट पेज विच इज़ राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको मैंने बताया कि ज़ीरो से लेकर अप टू सो ऑन जितने नंबर होते हैं उसको होल नंबर्स बोलते हैं। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें मिसिंग नंबर्स है। आप लोगों ने उन मिसिंग नंबर्स को लिखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि ज़ीरो, ज़ीरो के बाद क्या आता है, 1, 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद क्या आता है, 3, 4, 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 6 के बाद 7, 8, 9। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। अब नीचे आप लोग हमारे पास नंबर्स दिए हुए और नंबर नेम्स दिए हुए, इनमें डिफरेंस क्या है कि नंबर नेम्स जो है वो स्पेलिंग में होते हैं और जो नंबर होते हैं वो सिंपली नंबर में होते हैं। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर 7 है। 7 आप इस जगह पे आप लोगों ने सर्च करना है कि कौन सा 7 नंबर है, आपने उसको उसके साथ मैच करना है। SEVEN 7, 7 को हम लोग मैच कर देंगे डिजिट के साथ। फिर इसके बाद हमारे पास 5 है स्पेलिंग में, इसको हम डिजिट के साथ, 5 डिजिट के साथ मैच करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप ये नीचे वाले 2 भी करेंगे। जैसे कि हमारे पास 1 है तो 1 को हम 1 डिजिट के साथ मैच करेंगे और 9 को 9 डिजिट के साथ मैच करेंगे। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो पेज नंबर 3 पर है वो है काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट में हमें बेसिक चीज़ जो बताई गई है वो है टेंस, वंस, नंबर्स। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट्स दी हुई है, वो चीज़ जो बंडल की सूरत में होती है उसको टेंस बोलते हैं। यानी कि 10 मरतबा 1 को एक साथ बंडल में कर लेना उसको टेंस बोलते हैं। जैसे कि अब ये बेलून्स हैं हमारे साथ, ये एक बंडल की सूरत में है। इधर देखिए, अब हम इनको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये एक बंडल है और ये 10 वंस है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1, और हमारे पास वंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और जो नंबर उससे आ जाएगा वो होगा 10। इसी तरह हमारे पास दूसरे रो में कपकेक्स हैं। कपकेक्स जो है एक प्लेट में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है और दूसरे में भी 10 है। ये हमारे पास कितने टेंस बन गए, 2 टेंस। और हमारे पास जो ये अलग कपकेक है, ये हमारे पास वंस है, तो ये नंबर क्या बन गया, 21। सेम इसी तरह थर्ड रो में हमारे पास 4 गुलदान है। इन चारों गुलदानों में 10 फ्लावर्स हैं, तो ये कितने बन गए, 4 टेंस बन गए। और अलग अलग जो फ्लावर्स हैं हमारे पास, जो सेपरेट फ्लावर्स हैं, वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 वंस बन गए और ये नंबर हमारे पास आ गया 45। इसी तरह हमारे पास नीचे जार है।
जार में क्या है, कुकीज़ है, और हर जार में 10 कुकीज़ है, और हमारे पास टोटल कितने जार है, 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास 5 जार्स है, और कुकीज़ जो सेपरेट कुकीज़ है वो हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एट वंस, यानी कि हमारे पास 8 वंस है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 58। सेम इसी तरह हमारे पास जो लास्ट रो है उसमें हमारे पास कलर पेंसिल्स है, हमारे पास कलर पेंसिल्स के कितने बंडल है, लेट्स काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हमारे पास 10s है, और कितने सेपरेट कलर्स है, 1, 2, 3, 4 4 हमारे पास सेपरेट कलर्स है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 84। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।